अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़हद और आप देख रहे हैं फ़हद व्लॉग। तो आज जो डेली की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो अबू घर पे नहीं थे, आज अबू घर हैं, कल कहीं काम गए हुए थे, आज घर हैं अबू। तो आप अबू को तारुफ करवाते हैं, अभी जा रहे हैं अबू अपने कमरे में बैठे हैं, अबू से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू, क्या हाल है, खैरियत? कल कहाँ गए थे आप? बस के काम था। अच्छा, गर्मी कैसी थी कल? सही है। तो अभी अबू बैठ रहे, अभी नींद से उठे मेरे ख्याल में, कल रात को लेट आए थे, थोड़ा काम गए थे, तो बोल रहे हैं गर्मी कल बहुत ज़्यादा थी। हाँ वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी ना, आज फिर पेपर है मेरा, आज पेपर देने जाना है, देखते हैं क्या। मम्मी नाश्ता भी लाई है, अभी हम नाश्ता करेंगे। ये देखें मम्मी नाश्ता लाई, नाश्ते में अम्मी गोश्त और लस्सी लाई है। लस्सी हम डेली पीते हैं क्योंकि लस्सी हम जब तक नहीं पिए तो नाश्ता अच्छा नहीं लगता हमें। तो बाहर अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, एक दोस्त ने बुलाया है बाहर दुकान के सामने, बोल रहा है आ जाओ बाहर, थोड़ा काम है, उधर ही जा रहा हूँ। ये मेरे दोस्त की दुकान है और ये उसका बड़ा भाई बैठा है, और ये देखें नईम भाई सो रहे हैं, और ये हमारा इलाका है, ये जूस वाला खड़ा है, गन्ने का जूस बनाता है इधर, और ये इन्होंने बर्फ़ लगाई हुई है इधर अड्डे के ऊपर। मदनी शाहिद ने बोला है आ जाओ यार इधर, आपने बोला था कल आऊँगा, मैं बोला अभी पेपर है, पेपर दे के शाम को इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा। अभी जा रहा हूँ मामू शाह के घर, उसके बेटे दाऊद के साथ। तो इनके घर जैसे गए हूँ, दाऊद नहीं था, वो बोल रहे हैं आपके घर गया हुआ है, अभी उधर जाता हूँ उसके साथ, थोड़ी मस्ती करते हैं, उधर ही बैठा हूँ। मैं घर पहुंच गया हूं और मेरे ख्याल में दाऊद ही घर होगा, घर आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, क्या हाल है, ठीक है? किधर आया हुआ है? स्कूल जा आया है? स्कूल गया था आज? ऐसा खड़ा ऐसा क्या हाल है, आज स्कूल नहीं गया? पेपर हो गया? अच्छा, फराज ने पेपर दिया है? अच्छा सही सही। और पेपर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ। सही। इधर चले अभी कहाँ? अभी स्कूल जब तेरे को छोड़ के आते हैं तू बोलता मैं नहीं जाता, अभी तू बोल रहा है स्कूल जाए, चलें स्कूल। अच्छा जैसे मैं चलूँगा तू चलना। और ये फराज मेरा भाई आया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम फराज, पेपर नहीं था तेरा, कहाँ गया था? किधर गया था या घर है सुबह का? बाहर गया तो था, कहाँ गया था? अच्छा मामू के घर गया था, सही। और ये देखें मेरा भाई फहद और दाऊद मस्ती कर रहे हैं और ये खेल रहे हैं, और ये दाऊद कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाता हूँ, और भाई मेरा तैयारी कर रहा है और स्कूल जा रहे हैं, दाऊद बोल रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ, और ये और वो फहद अपने बटुआ जेब में डाले और तैयारी श्यारी कर रहे हैं और अपनी वॉच उठा रहा है। मेरी छोटी बहन अनम भी आ गई है स्कूल पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है? क्या पेपर था आज? पेपर हो गए हैं? कैसे हुए हैं पेपर? अच्छा आज स्कूल गई थी ऐसे, चलो सही है, आज अब पानी वानी पी बैठ। तो अभी दाऊद और मैं नाई की दुकान पर जा रहे हैं थोड़े बाल वाल बनवाने, गए कल गया था उसके पास टाइम नहीं था, तो अभी जा रहे हैं उसके पास। दाऊद कहाँ जा रहे हैं? स्कूल नहीं बेटा, कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो हाँ सही। पहुँच आए हैं हम दुकान पर, तो आज मेरे को लगता है इसकी दुकान पर रश नहीं है, अंदर जा रहे हैं इधर से। हाँ अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत? और सब ठीक है? अभी रश नहीं है, अभी थोड़ा खत वत बनवाते हैं और जाते हैं स्कूल पेपर देने के लिए, अभी टाइम बच रहा था, मैंने बोला थोड़ा हो गया था बनवाने लगा, तो ये दाऊद सो गया था, अभी से नींद से उठाया है। दाऊद इधर देख, सो गया था, नींद आ गई थी तेरे को? अच्छा अभी मैंने खत बनवा लिया, तो अभी पेपर देने के लिए जाऊंगा। तो अभी जैसे शेव करवा के थोड़ा बाहर निकले हैं, तो मोट बाइक बहुत गर्म थी, और दाऊद देखे पैर बैठ नहीं रहा था ना बाइक के ऊपर, तो पीछे खड़ा हो गया, बोलता है गर्म है बहुत। थोड़ा लेट हो गया, स्कूल जा रहा हूँ, पेपर का अभी स्टार्ट होने वाला है, टाइम हो गया,
थोड़ा लेट हो गया, जा रहा हूँ, बाइक चला रहा है, ये बीच में खड़ा हुआ है और अभी जा रहा हूँ तो पेपर देने के लिए, टाइम भी नज़दीक हो गया है। वैसे मैं एक घंटा पहले जाता हूँ, आज पूरे टाइम पे पहुँचूँगा, जा रहा हूँ तो पेपर को, अगर उधर से जैसे वापस आऊँगा सीधा आकर साजिद भी जा रहा हूँ। ये अभी मैं पहुंच गया हूँ स्कूल और ये दाऊद लोग, हाँ बाय बाय, सही है जा ठीक है, ये दाऊद बाय बाय करके अभी जा रहा है, तो मैं स्कूल पहुंच गया हूँ, सर भी आ रहे हैं। हसन भाई क्लास फोर, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है सर? खैरियत? स्लिप लग गई है? नहीं अभी नहीं लगी। क्यों? टाइम तो हो गया है। टाइम अभी नहीं हुआ, रह रहा है टाइम ऐसे, हाँ 10-15 मिनट रह रहे हैं, स्लिप लगेगी। स्लिप जैसे लेके ये देखें, और बच्चे भी आए हुए हैं, वो मेरे दोस्त वो भी हैं, और ये सारे पेपर देने के लिए बच्चे आए हुए हैं, जैसे टाइम होगा स्लिप देख के फिर पेपर देते हैं। ये स्लिप लगा रहे हैं स्कूल के क्लर्क हैं, स्लिप लगा रहे हैं रोल नंबर, अभी रोल नंबर देखते हैं कौन से कमरे में है, डेली चेंज होता है ना रोल नंबर, कहाँ लगाते हैं, बस अभी ये लग रहा है, देख रहे हैं क्या रोल नंबर, स्लिप उन्होंने देख लिया और लेस खा रहे हैं ये लड़के सारे। ये सुप्रिंटेंडेंट साहब आ रहे हैं, अच्छा जी, ये बच्चे स्कूल के नमाज पढ़ रहे हैं, पेपर देने आए हैं तो नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ें, और ये स्कूल है हमारा, इधर ही पढ़ते थे हम सारे, मेरे दोस्त इकट्ठे हो गए हैं, अभी पेपर का टाइम हो गया, ये देखें सारे बच्चे आ गए हैं, अभी जाएंगे पेपर देने, टाइम हो गया, बस अंदर इंटर हो रहे हैं सब लोग, अभी बस हवा भी बहुत चल रही है, ये देखें सारे अपने अपने रोल नंबर स्लिप देख रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं सारे, अभी मैं मोबाइल जमा करवा के मैं भी जा रहा हूँ पेपर देने। पेपर दे के आए हैं तो पेपर माशाल्लाह अच्छा हुआ, इस्लामिक एजुकेशन का था, और मोहसिन भी पेपर दे के आए हैं, मोहसिन भाई सुना है कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हो गया इस्लामिक का पेपर। अच्छा, गर्मी थी अंदर? अंदर बहुत गर्मी थी, जैसे ही यार जैसे अंदर जाते हैं लाइट चली जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, कैसे मसला है ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है सेकंड टाइम। सही बात है। और मज़हर भाई खड़े हैं, हाँ मज़हर भाई बताएं आपका पेपर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है, सही हो गया है? सही हो गया है। आप सही आए हैं, और ये अमीर बोल रहा है पानी थोड़ा पी लें, बोतल पी रहे हैं इधर आके, गर्मी थी ना बहुत, तो अभी घर जाऊंगा उधर से फिर सीधा मदनी शहर के घर जाऊंगा। ये मेरे मामू का बेटा दाऊद है, आपको पहले इसका तारुफ तो करवाया है, अभी ये स्कूल जाता था तो मैं चेक करवा रहा हूँ बच्चे का जहन, कि जहन चेक करें कि बॉडी पार्ट्स का कोई नाम इससे पूछ लेना तो ये फटाफट उसी टाइम बता देगा, इसका जहन इतना ही है कि घर में इसको सिखाते रहे हम तो अभी इसके जहन में फिट हो गया, छोटा सा था सिखाते रहे। अच्छा बेटा दाऊद इधर देख, बता अभी ये इसे क्या कहते हैं इस चीज़ को? अच्छा ऊंचा ऊंचा बता, क्या बोलते हैं ये नाक को, क्या बोलते हैं? अच्छा आँखों को क्या बोलते हैं? अच्छा ये इसे क्या बोलते हैं ये इस चीज़ को? अच्छा सही है। और सर को क्या बोलते हैं? और बालों को? अच्छा और हाथ को? हाथ को, हाथ को हाँ। और उंगली को? दांतों को क्या बोलते हैं? दांतों को, दांतों को बेटा हाँ। पाँव को क्या बोलते हैं? पैर को हाँ। और ये जो पेट के अंदर होती है इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ कानों को क्या बोलते हैं? अभी देखें बच्चे का इतना जहन है तो बच्चे ने देखें इंग्लिश में क्या क्या नाम बताए हैं, हालांकि इतने से उम्र वाले बच्चे को कुछ याद नहीं होता, देखें इसका जहन। अभी मैं तैयार हो गया हूँ और मदनी शायद और अंकल साहिद के घर जा रहा हूँ, उनके साथ थोड़ा उन्होंने बुलाया मुझे कि आओ इधर, उनके घर जा रहा हूँ, अम्मी साथ में जाएगी और मेरा कज़न जो दाऊद है छोटा मामू का बेटा वो भी साथ जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं अंकल साहिद के घर, जो दाऊद भी जा रहा है आपको पीछे बैठे हैं, हम उधर ही जा रहे हैं अंकल साहिद के घर भरा के आपको। अभी ये हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं जो मर्ज़ रशीद की तरफ जाता है अहमदपुर वाला रेलवे स्टेशन, ये तो बोतल पी रहे हैं, बड़े प्यास लगी, ये देखें सामने सारी वहाँ खड़ी हुई है, रेलवे स्टेशन बंद है तो अभी हम इधर खड़े हुए हैं, सामने एक ट्रेन गुजर गई अभी और दूसरी मेरे ख्याल में आएगी इसलिए बंद है, थोड़ बोल रहा था मुझे प्यास लगी है तो इसके लिए बोतल लाए, अभी दूसरी ट्रेन गुजरेगी तो हम लोग जाएँगे, ये सामने सब कुछ बंद है।
अभी हम मोड़ा रास आ गए हैं इधर अंकल साहिब के इलाके में। ये उनके घर का रास्ता है, उधर ही जा रहे हैं। चाचू काशिप के घर आए हुए हैं और ये बोतल दी उन्होंने। दाऊद ले बोतल, पी पकड़ ले, पी ले। ये बोतल आए हैं, अभी अंकल साहिब के घर भी जाऊंगा। चाचू काशिप मेरे ख्याल में घर नहीं खड़े, किधर गए हैं? अच्छा अच्छा, चाचू काशिप आ जाएंगे। आए नहीं थे, पहले सालन तैयार है हमारा। ये देखे बन रहा है सालन, मेरी चाची बना रही है और मेरी सालन बन रहा है। ये इन्होंने तोते रखे हुए हैं और इधर ये बटेर भी रखे हुए हैं इन्होंने। अभी बाहर शेड बन रहा है, जाएंगे इनका साहिब के घर मदनी शहद के पास भी जाएंगे, उनके साथ भी बनाएंगे। ये देखें ये सब कुछ के बना। ये मेरे अब्बू के चाचू और मेरे भी अब्बू हो गए, दादा अब्बू हो गए, ये बैठे हैं इनका साजिद के अब्बू। ये उनका जो शेड वगैरह जो बना रहे हैं वो है, जाते हैं मिलते हैं। अभी हम ये बाहर आए हुए हैं और इधर अंकल साजिद भी आए हुए हैं, चाचू काशिप भी खड़े हैं, ये काम कर रहे हैं अपना अपना। ये सामने कोई उनके मेहमान आए हुए हैं, उनके साथ बैठे हैं, मेरे ख्याल में वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। ये अंकल साजिद भी खड़े हुए हैं और चाचू काशिप भी खड़े हुए हैं, इन्होंने काम करवाया है, अभी काम करवाया। अच्छा ये काम कर रहे हैं अंकल साजिद, ये खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक, खैरियत? क्या हो रहा है अभी? काम हो रहा है ऐसे? हाँ सही सही। अच्छा तो ये मेहमान आ रहे हैं अंकल साजिद, चाचू काशिप। चाचू क्या हाल है, खैरियत? क्या कर रहे हैं? ये टूट गई है उसकी बकरियां ना, उसकी अच्छा तंग कर कर। हाँ सही बात, पैर उनको लेके जाना पड़ेगा। चला ये इनका साइज गाय हैं, ये खड़े हैं और कॉल वीडियो कॉल कर रहे हैं, किस से कॉल कर रहे हैं मेरे ख्याल में, यहाँ कॉल ही कर रहे हैं। तो ये भी काम कर रहे हैं, थोड़ा देर बाद से रब्ता करते हैं। उनकी गाय हैं, ये बकरियाँ हैं। दाऊद गाय कैसी लगी, अच्छी है? हाँ अच्छा, अभी इधर रहेंगे, हाँ कल जाएंगे घर। सही है सही है। अभी मदनी शायद मेरे ख्याल में किधर गया हुआ है, ये अंकल साजिद अंदर जा रहे हैं, थोड़ा काम है, तो जब ये इजी हो जाते हैं तो इनसे बात करते हैं। अभी मैं अपने चाचू के घर जा रहा हूँ, आ जाओ बेटा। का जो व्लॉग था इतना ही था बस, अभी यहाँ ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि सब सो रहे हैं। तो सुबह जैसे उठेंगे आपको पूरे गाँव की सैर कराएँगे और आगे बनाएँगे